हेलो फ्रेंड्स, मैं BBS इंटर कॉलेज सिक्योरिटी ब्रांच का फिजिक्स का अध्यापक के एन संजय आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूँ फिजिक्स के अध्यापन के लिए क्लास टेंथ में। आज क्लास टेंथ में हम लोग उसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे जो पिछले दो तीन वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उस अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों को बनने की कंडीशन में आज हम लोग छठवीं स्थिति के बारे में जानेंगे। छठवीं स्थिति के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि छठवीं स्थिति क्या होती है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी F और P के बीच स्थित होगा, तो वह अवतल दर्पण की छठवीं स्थिति होती है। इसके आधार पे हम लोग इसके प्रतिबिंबों का निरूपण करेंगे। जब वस्तु P और F यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच मैंने 9 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा खींच ली है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी अब खींचना जान गए होंगे, याद हो चुका होगा 9 सेंटीमीटर की लंबाई की रेखा। लेकिन अब की थोड़ा किनारे से शुरू करेंगे, यहाँ पर बिंदु C ले लें और बिंदु C से 6 सेंटीमीटर नापते हुए बिंदु P यहाँ पर ले लेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे, एक अवतल दर्पण बन गया। देख रहे होंगे मैं अवतल दर्पण के जिधर की ओर पॉलिश है उस ओर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, पीछे की ओर मैंने स्पेस छोड़ा है। यहाँ बिंदु P है, अवतल दर्पण के यहां से यहां तक टोटल लेंथ 9 थी, 9 में से यहां से यहां तक 6 हो गया। P से C की लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गया। इस 6 सेंटीमीटर में अब हमको PC का लंबवर्धक करना है, तो जैसे लंबवर्धक करते आए हैं उसी तरह से इसका भी लंबवर्धक कर देंगे। हल्के हाथों से पेंसिल चलाएंगे और सीधा सीधा लंबवर्धक कर देंगे P से C तक का, और यह बिंदु मिल जाएगा F। वस्तु को हमको ध्रुव और फोकस के बीच रखना है, तो P और F के बीच में जो ये खाली स्पेस पड़ी हुई है इस स्पेस में कहीं भी रखा जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ रखना है। लेकिन यह तय है कि P से F के बीच में खाली स्पेस पर कहीं भी रख सकते हैं। P से F इस खाली प्लेस पर आप जहाँ मेरी फिंगर चल रही है यहाँ से यहाँ के स्पेस में आप P से F के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। वस्तु को छोटा ही रखें ताकि प्रतिबिंब, देखिए दर्पण जितना पॉलिश ऊपर है उतना ही पॉलिश नीचे की ओर है। वस्तु को छोटा रखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब इसका बड़ा बनता है। हमने क्या किया, इसके बीच में किसी भी जगह हमने 1 सेंटीमीटर छोटी सी वस्तु रख लिया। वस्तु को P और F के बीच में कहीं भी रखा जा सकता है। हर बार सभी कंडीशन में एक चीज फिक्स रही है कि सदैव वस्तु के शीर्ष, ये क्या बनाए हैं, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, I फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, तो वस्तु के शीर्ष से समांतर चलती है। आप लोगों ने पांचों चित्रों में देखा होगा जहां पर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखी है तो वो वाली वस्तु हमेशा जो सीधा रखा है उसके शीर्ष के समांतर जरूर चला है, वस्तु के शीर्ष के समांतर जरूर चला है। देखिए वस्तु के शीर्ष के समांतर चले हैं, वस्तु के शीर्ष के समांतर, सदैव समांतर जाने वाली किरण जब भी दर्पण से टकराएगी तो 200% ये फिक्स है कि वह फोकस से होकर लौटेगी। देखिए मैं फोकस से होकर लौटा रहा हूं, इसको फोकस से मिलाइए,
देख रहे हैं ये फोकस से जा रही किरण, समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराई है, टकरा करके देखिए फोकस से होकर के निकल गई। वस्तु के शीर्ष को समांतर किरण ले गए हैं, समांतर वाला अब से होकर के निकल गया। दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, वस्तु के शीर्ष को सी से मिलाइए, ये बिंदु सी है देखिए, सी को मिलाइए, ये सीधा जाएगा सी से आगे की ओर, इसको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, सी से जाएगा और सी से जान, अब दोनों किरणों को देखिए पीछे ले जाएंगे, जो वस्तु के सिर से समांतर गया। हाँ बेटा, उसी के आगे हम लोगों ने ये बताया है कि आपको ये बताया कि यहाँ से जब ये समांतर जाने वाला एफ से निकल रहा है और वस्तु के शीर्ष वाला सी से जा रहा है, फिर यहाँ पर यही दोनों किरण आ रही पीछे डॉट डॉट जाएगा, जिस ओर पॉलिश होगा उस ओर हम लोग कैसा ले जाएंगे, डॉटेड डॉटेड ले जाएंगे। डॉटेड लाइनों का मतलब ये होता है कि ये आभासी लाइनें हैं। देखिए आभासी लाइनें ये पीछे समांतर गया है, एफ से लेकर के बढ़े हैं, वस्तु के शीर्ष को सी से मिलाते हुए ले गए हैं और यही लाइन पीछे जाएगी। दोनों लाइनों का जहां क्रॉस पॉइंट होगा, दोनों लाइनों का जहां क्रॉस पॉइंट होगा वहीं पर प्रतिबिंब डॉटेड डॉटेड नीचे की ओर गिरा देंगे, लंब गिराएंगे। ये वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा। सदैव कोई दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेकिन एक बात फिक्स होती है कि जिधर की ओर पॉलिश होता है उस ओर अगर कभी भी कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वह प्रतिबिंब सदैव आभासी ही होता है। देखिए पीछे की ओर पॉलिश था, उस ओर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बनता हुआ दिखाई दिया इसका मतलब यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो कंडीशन कौन सी है, छठवीं कंडीशन है। छठवीं कंडीशन अवतल में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। फिर से पूरा कंडीशन देख लीजिए, ये अवतल दर्पण था, यहाँ मैंने पी और एफ के बीच में वस्तु रखा, समांतर गए, समांतर वाला एफ से निकल गए, फिर वस्तु के शीर्ष को सी से मिलाए हैं, ये किरण जो दिख रही होगी आपको ये किरण फैलती हुई दिखेगी, ये ध्यान रखिएगा, ये किरण कैसी दिखेगी, फैलती हुई रहेगी। और यहाँ पर जाने वाला और लौटने वाला दोनों आ रही दिखाएंगे, इस प्लेस पर देखिए, इस प्लेस पर ये वाला और ये वाला, इधर से जाने वाला किरण जा रहा है और ये लौटने वाला, क्योंकि सी से जाने वाली किरणें, सी है ना ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है। ये तो अवतल के, अब इसका प्रकृति लिखना होगा, तो कैसे प्रकृति लिखेंगे, देखिए इसकी प्रकृति, पहली बात तो बनेगा कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। पीछे की ओर कैसा लग रहा है, सीधा लग रहा है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और चौथी सबसे बड़ी बात, ये दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी, सीधा तथा दर्पण के पीछे बनेगा यह प्रतिबिंब। ये तो हो गया इसका अवतल के छह कंडीशन हो गए। अब आ जाइए उत्तल दर्पण के लिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अवतल में छह स्थितियां होती हैं, उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थिति होती है। उत्तल दर्पण में कितनी स्थिति होती है, दो। पहला जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरा जब वस्तु एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अनंत पर।
अनंत पर, तो आप पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे हम लोग। कैसा बनाएंगे? उत्तल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर बिंदु सी ले लीजिए, यहाँ पर बिंदु पी लेना था 6 सेंटीमीटर नापने के बाद, आपको याद हो चुका होगा। यहाँ पर आओ आओ उत्तल दर्पण हम लोगों ने बना लिया, ये देखिए बिंदु पी हो गया। पी सी का लंबवर्धक करना था, पी सी का लंबवर्धक कर दीजिए, लंबवर्धक हो गया। ये चीज़ें अब आपको धीरे धीरे याद हो चुकी होंगी। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 9 था, यहाँ से यहाँ तक 6 था, इस 6 का लंबवर्धक कर लिए हम लोग, एफ जो है फोकस फाइंड आउट कर लिए। लंबवर्धक का मतलब फोकस को निकालना ही होता है। जब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। अनंत पर है तो एक लगभग बराबर ऊंचाई की, जितना मुख्य अक्ष ऊपर रखिए उतना ही नीचे भी रख लीजिए। जैसे ये वस्तु मैंने बना लिया, लेकिन मुख्य अक्ष की लाइन के बाहर बनाएंगे, इसको ये ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष की लाइन के बाहर बनाएंगे। इस लाइन को ना टच करे, लाइन को टच कर देगी तो फिर अनंत वाला मैटर खत्म हो जाएगा। मुख्य अक्ष की लाइन के बाहर वस्तु को रखना जरूरी है। कोशिश ये करिएगा मुख्य अक्ष के ऊपर जितना रखिएगा उतना ही मुख्य अक्ष के नीचे रखिएगा, लेंथ बराबर रहेगा तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहां से इसके सामने समांतर एक किरण ले जाइए और एक समांतर नीचे ले जाइए, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कोई जरूरी नहीं कि हम दो ही किरण ले जाए, आपकी इच्छा हो तो दो किरण मुख्य अक्ष के ऊपर रख लीजिए, दो किरण मुख्य अक्ष के नीचे रख लीजिए। कलरफुल बनाना है तो लाल वाली लाइन जो है आने वाली किरण दीजिए, और जाने वाली किरण को हरी कर सकते हैं। जैसे कमिंग रेज है, जो आने वाली किरणें हैं उसको हम लोग जो है रेड कलर से कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल ये सब यूज हुआ, पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाली रेज को रेड कलर से दिखा दीजिए, समांतर जाने वाली सदैव फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में मिलती नहीं है। तो देखिए कैसे मिला रहे हैं हम इसको, F पर डॉट डॉट मिलाए और यही रेज बाहर की ओर सीधा निकल जाए। सदैव उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला बाहर फैलता है, परंतु यही वाला रेज यानी किरण यह पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, रियल में मिलता नहीं है, क्योंकि पीछे तो पॉलिश है ना, यहाँ कहाँ अंदर रेज जाएगी। मतलब ऐसे आपने टार्च मारा, टकराई, टकरा कर उसका प्रकाश ऐसे निकल लेगा। अगर ऊपर से मारा तो उभर चला जाएगा, और अगर नीचे से टार्च मारोगे तो फिर क्या होगा, इसको भी एफ से मिला देंगे यहाँ पर, और ये बाहर क्यों निकल लेगा। देख रहे ना, समांतर आने वाली किरणें सदैव फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में मिलती नहीं है। देखिए दोनों समांतर आई है, आने के बाद बाहर की ओर फैल गई है। देखिए ये समांतर गया बाहर निकल गया, ये समांतर गया बाहर निकल गया, लेकिन दोनों का क्रॉस पॉइंट कहाँ पर है? देखिए समांतर गया बाहर लौटा, लेकिन ये पिछला हिस्सा कहाँ मिला है? फोकस पर मिला है। समांतर गया है बाहर निकल गया, लेकिन इसका पिछला हिस्सा कहाँ मिला? फोकस पर मिला। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव मुख्य फोकस या फोकस पर ही बनता है। तो अब इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे? प्रकृति क्या होगी? पहला प्रतिबिंब बनेगा आभासी। एक तो बड़ा आराम जानते क्या है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी ही बनते हैं, कभी भी वास्तविक नहीं बनते हैं। फिर से मेरी बात सुनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी ही बनते हैं, और सदैव सीधा ही बनता है। ये भी अड़ाराम है, आभासी और सीधा उत्तर फिक्स है। जैसे अवतल वाले में दो बार उत्तर फिक्स नहीं था कि वास्तविक और उल्टा होते थे, इसमें आभासी और सीधा, मैं लिख दिया आभासी और दूसरा क्या हो गया? सीधा। लेकिन तीसरा क्या होगा? फोकस पर कहाँ बना है? देखिए एफ पर बना है, कहाँ बना है? फोकस पर बना है।
और चौथा कहाँ है, चौथा क्या है, वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा, वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है, यही इसकी प्रकृति है। उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, फोकस पर तथा अत्यधिक छोटा बनता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, फिर अब हम आगे उत्तल दर्पण की दूसरी स्थिति पर आते हैं। मैंने कहा कि उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां होती हैं, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और दूसरी स्थिति होती है उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। वह कौन सी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ पर हो, एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो निश्चित दूरी पर स्थित करके रख देंगे। लेकिन एक उत्तर मैंने शुरू से कहा है, उत्तल दर्पण में दो बातें हमेशा फिक्स रहेंगे। फिर से पूरी बात, उत्तल दर्पण के लिए दो उत्तर हमेशा फिक्स होगा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। लेकिन पहली वाली स्थिति में अत्यधिक छोटा होता है और दूसरी स्थिति में केवल छोटा शब्द लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु एक निश्चित दूरी पर हो तो P के सामने जो एरिया खाली पड़ी है, P के, देखिए मैंने उत्तल दर्पण बनाया है, ये 9 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा है, किनारे मैंने बिंदु C लिया, यहाँ से यहाँ पी सी 6 नाप लिया और इस 6 का लंबार्धक कर लिया, बिंदु C को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाए हैं, उत्तल दर्पण का निर्माण हो गया। एक निश्चित दूरी पर का मतलब क्या है कि बिंदु P के पहले हम करीब 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रख लें, बिंदु P के पहले इस प्लेस पर कहीं भी रख सकते हैं, उत्तर वही आएगा हर बार। P के पहले कहीं भी रखिए, वस्तु के शीर्ष से समांतर चलिए। वस्तु के शीर्ष से कैसे चलना है, समांतर, किसके समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर जाने वाला आपको कई बार याद हो चुका होगा कि मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाला उत्तल दर्पण में बाहर फैलता है, तो ये देखिए बाहर की ओर फैल रहा है, लेकिन इसका पिछला हिस्सा डॉटेड 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 ला करके यहां से मिला देंगे और एरो जरूर दिखाएंगे। एरो का मतलब ये हो जाता है कि ये आने वाली किरण आई है, टकराई है, बाहर की ओर निकल रही है, देखिए एरो दिखाई दे, एरो नहीं लगाएंगे सारा किरण आरेख सब गलत हो जाएगा। ये पहला आरेख हो गया, समांतर गई है, बाहर की ओर फैली है, इसी को पीछे लाएंगे, डॉटेड डॉटेड ला करके ये अब से मिला देंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरे वाले में ध्यान देना है कैसे बनेगा, वस्तु के शीर्ष को सी से मिलाना है, वस्तु के शीर्ष को सी से, लेकिन पॉलिश के बाद वाली एरिया पूरा डॉटेड होगा, ये ध्यान देंगे। यहां से यहां तक देखिए मैंने डॉटेड नहीं बनाया है, लेकिन इसके बाद यही लाइन डॉटेड बनाई है, क्योंकि जिस ओर पॉलिश होगा उस ओर डॉटेड लाइन ही दिखाना है। इसमें जाने वाली किरण लौटने वाली दोनों दिखाना है, देखिए ये जा रही किरणें सी से टकराई है, सी से लौट करके ऐसे जाना लौटना एक ही बिंदु पर दिखाएंगे। ये किरण, ये अगर एरो नहीं दिखाए तो गलत हो जाएगा। सी, वस्तु के शीर्ष को सी से मिलाएंगे, लेकिन पॉलिश वाली एरिया में डॉट डॉट। आप देखिए एक ये वाला समांतर गया है, बाहर क्यों निकला है, और ये पीछे गया है, दोनों क्रॉस पॉइंट देख रहे हैं, इस डॉटेड लाइन का क्रॉस पॉइंट, इस डॉटेड लाइन का क्रॉस पॉइंट, दोनों क्रॉस पॉइंट एक ही जगह है, तो जहां क्रॉस पॉइंट हुआ है वहीं पर हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब सीधा बना देंगे, वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु ये ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। सदैव यह प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, चाहे जितना बड़ा वस्तु रखे, चाहे यहां रख लेंगे तब भी पी और एफ के बीच में आएगा। अब लास्ट अंतिम है इसका प्रकृति, प्रकृति कैसा होगा, एक उत्तर मैंने बताया आपको आभासी होगा, दूसरा क्या बताया सीधा होगा, तीसरा क्या बताया पी और एफ के बीच में होगा, पी और
यफ के बीच होगा, ये निश्चित है, पी और यफ के बीच में होगा। आभासी सीधा पी और यफ के बीच में, और चौथी बात छोटा भी होगा, और क्या होगा छोटा, ये इसकी प्रकृति हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु एक निश्चित दूरी पर स्थित होगा, मतलब पी ये लाइन के बाहर कहीं भी रख सकते हो, जब एक निश्चित दूरी पर स्थित होगा तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा पी और एफ के बीच तथा वस्तु से छोटा बनता है। थैंक यू।